तीन मछलियां। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब का पानी बहुत गहरा था, इसलिए तालाब में बहुत सारे जलीय सूक्ष्म पौधे थे जो मछलियों को बहुत पसंद होते हैं। ऐसी जगह मछलियों को बहुत पसंद आती है। उस तालाब में बहुत सी मछलियां रहती थी। वो तालाब लंबी लंबी घास से घिरा होने के कारण आसानी से किसी को नजर नहीं आता था। उसी तालाब में तीन मछलियों का एक झुंड रहता था। उन तीनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। उन तीनों के नाम मर्लिन, बबल और शैली थे। मर्लिन मछली संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने में विश्वास रखती थी। बबल मछली कहती थी कि संकट आने पर ही उससे बचने का प्रयास करो। शैली मछली का कहना था कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है, ये सब करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है। एक दिन शाम को दो मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर घर जा रहे थे। उनके जालों में बहुत ही कम मछलियां फंसी थी, इसलिए वो दोनों बहुत उदास थे। तभी उन्हें घास के ऊपर बगुलों का एक झुंड अपनी चोंच में मछलियां लेकर जाता हुआ दिखाई दिया। मछुआरे बगुलों को देखकर चौंक गए। एक ने बोला, अरे मछुआरे भाई, लगता है लंबी लंबी घास के पीछे कोई तालाब है जहां इतनी सारी मछलियां पल रही हैं। मछुआरे खुश होकर उस घास के पीछे तालाब के किनारे आ गए और ललचाई हुई नजरों से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा, इसी तालाब में तो बहुत सारी मछलियां हैं, आज तक हमें इसका पता ही नहीं चला। तो दूसरे ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, यहाँ मुझे ढेर सारी मछलियां दिखाई दे रही हैं। अब आज तो शाम हो गई है, कल सुबह ही आकर जाल डालेंगे। इतना कहकर मछुआरे वहां से चले गए। तीनों मछलियों ने मछुआरों की बात सुन ली थी। मर्लिन ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरों की बात सुनी, अब हमारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना अगर अब हमें मिल गई है तो समय रहते हमें अपनी जान बचाने के लिए कोई उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी इस तालाब को छोड़कर नदी में जा रही हूँ। बबल मछली बोली, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी, अभी खतरा आया कहाँ है, हमें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि संकट आए ही ना, हो सकता है कि रात में उनका जाल चोरी हो जाए, या हो सकता है कि चूहे उनका जाल काट जाएं, क्या पता रात में मूसलाधार बारिश हो जाए और उनका गांव बह जाए और गांव के साथ साथ वो दोनों मछुआरे भी बह जाएं, इसलिए उनका आना निश्चित तो नहीं है ना। जब वो लोग आएंगे तब की तब सोचेंगे, हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। शैली ने अपनी बात कही। अरे भागने से कुछ होने वाला नहीं है, मछुआरों को आना है तो वो तो आएंगे ही, अगर हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे ही, किस्मत में अगर मरना लिखा है तो हम मरेंगे ही, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। इस तरह मर्लिन मछली तो वहां से चली गई, लेकिन बबर और शैली वहीं तालाब में रहे। अगले दिन सुबह होते ही मछुआरे अपना जाल लेकर तालाब के किनारे आ गए और जाल को पानी में डालकर मछलियां पकड़ने लगे। बबर मछली संकट को आते देख जान बचाने के उपाय सोचने लगी। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई जगह तो थी नहीं। तभी उसे याद आया कि तालाब में काफी दिनों से मरा हुआ एक हिरन पड़ा है जो बुरी तरह सड़ गया था और बहुत बदबू आ रही थी। वह उसकी लाश के पास जाकर छिप गई और सड़ने की बदबू लेकर बाहर निकली और कुछ ही देर में वह जाल में भी फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और तालाब के किनारे रख दिया। बाकी मछलियां तो तड़प रही थीं,
लेकिन बबल सांस बंद करके एकदम मरी हुई मछली की एक्टिंग कर रही थी। मछुआरे को जब सड़ने की बदबू आई तो वह मछलियों को देखने लगा। उसने बेसुध पड़ी बबल मछली को उठाया और बोला, छी कितनी गंदी बदबू आ रही है इससे, तो ये तो मरी हुई मछली है। इतना बोलकर वो बबल को पानी में फेंक देता है। बबल मछली अपनी बुद्धि का उपयोग करके बच निकली। पानी में गिरते ही उसने चैन की लंबी सांस ली और पानी की गहराई में जाकर बैठ गई। शैली भी दूसरे मछुआरों के जाल में फंस गई थी और एक टोकरी में डाल दी गई थी। भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाली शैली मछली ने दूसरी मछलियों की तरह तड़प तड़प कर वहीं पर अपनी जान दे दी। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि हमें भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इससे पतन निश्चित है। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।